आजकल के जो हालात चल रहे हैं आप खुद भी देख सकती हैं, जो मोटरवे पे हादसा हुआ अभी लास्ट टाइम, उसमें एक लड़की ने अगर अपनी गाड़ी लॉक कर ली थी तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने अपने आप को डिफेंस कर लिया था। फिर मैंने बाहर के हालात पे गौर किया कि बाहर जो हालात चल रहे हैं लड़कियों के लिए आजकल ये बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाजरा आफ्ताब, जो कि ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं, इसके अलावा नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजरा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा हाजरा, आप सबसे पहले ये बताएं कि आप कैसे आई इस कैसे शौक पैदा हुआ आपको? एक्चुअली मैं अकेली सिस्टर हूँ और मेरा कोई भाई नहीं है, तो मेरी फादर की विश रही थी कि मैं एक लड़कों की तरह रहूँ। वो तब से मैंने ज्वाइन किया, 9th क्लास में मेरी ज्वाइनिंग थी 2014 में, और 6 ईयर्स हो गए मुझे कंटिन्यू ब्लैक बेल्ट, 4 ईयर्स हो गए थे। 4 ईयर्स में मैंने ब्लैक बेल्ट कर ली थी और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाइड हूँ। क्या नाम है आपका? महक आसिफ। अच्छा महक आसिफ, मैं देख रही थी आप जितनी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग, जो आज आपका ये सेशन चल रहा था, बहुत कमाल का आप जो है वो सारी टेक्निक्स यूज़ करी थी। पहले मुझे बताएं आपको शौक कैसे पैदा हुआ? शौक था शुरू से ही, और बस जैसे जैसे करती गई तो ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता गया, और 4 ईयर्स होने वाले हैं मुझे, इंशाल्लाह इस दिसंबर में ब्लैक बेल्ट हो जाऊँगी। निम्रा, आज क्या चल रहा है, थोड़ा सा हमें ब्रीफ कीजिएगा ज़रा। आज ये जो आजकल आप हालात देख रहे हैं ना, उन पे एक हमने छोटा सा डेमो पेश किया है सेल्फ डिफेंस का लड़कियों के लिए, वो आपको दिखाया आज हमने। अच्छा, ये सारा सेल्फ डिफेंस के हवाले से था। अच्छा, आपको कैसे शौक पैदा हुआ, क्या आपने भी सीखा है? मुझे ना बचपन से था, मैं ना 2 क्लास में थी तो मैंने ना ये ज्वाइन किया था। पहले मैं कहती थी क्या है, बहुत मुश्किल है, बहुत पेन होती है, मैंने नहीं करना। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मेरी इसमें ना अचीवमेंट्स आनी शुरू हुई, मुझे देखा मैं, फिर मैंने बाहर के हालात पे गौर किया कि बाहर जो हालात चल रहे हैं लड़कियों के लिए आजकल ये बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने कहा ये तो सीखना ही सीखना है, ये तो लड़कों के लिए बहुत, मतलब किसको कहा था? मामा को कहा था, पापा को कहा था? नहीं, मम्मा पापा ने मुझे कहा था कि तुम इसको आगे उसको रखो। उन्हें लग रहा होगा कि हमारी जो बेटी है वो मार धाड़ करने वाली है, तो इसको सब स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाते हैं। सर नहीं, मारधर वाले नहीं, मैं बहुत मासूम सी थी बचपन में, तो जब मैं इसमें आई ना तो काफ़ी अच्छी है, मतलब कि बच्चे में एबिलिटी होती है, मतलब कि मुझे शौक पैदा होना शुरू हो गया, इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग है मैं ये। तो फिर मेरे पेरेंट्स कहते कि इसको आगे लेके चलो, तुम अच्छा भी कर रही हो और ये आजकल के इन्वायरमेंट के मुताबिक भी बहुत सही है। अब आपको कैसा लगता है, जब आप आज से 6 साल पहले थी की हाजरा थी और 6 साल के बाद की हाजरा में कितना फ़र्क आया है? जब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तो मुझे मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, मेरी मदर और मेरे फादर के अलावा मेरी फैमिली ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने मेरे ऊपर उंगलियां उठाई बहुत ज़्यादा, और आज वही लोग हैं जो मेरे पे प्राउड करते हैं, मुझे न्यूज़ में देखते हैं तो प्राउड करते हैं कि ये हमारी हाजरा है। आप खुद थे या अपने पेरेंट्स ने कहा कि नहीं आपको सेल्फ डिफेंस के लिए जो है वो ट्रेनिंग होनी चाहिए? मेरे फादर मुझे लेके आए थे और वो बहुत सपोर्टिव हैं, उनके सपोर्ट से ही मैं अभी यहाँ तक पहुँची हूँ, इंटरनेशनल लेवल तक भी खेल के आई हूँ, मलेशिया सिंगापुर गई थी मैं, तो सिर्फ फादर की वजह से ही है, उन्हीं की सपोर्ट है और उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है। आपको क्या लगता है कि हर लड़की को आना चाहिए इसमें, या आपको लगता है कि नहीं जो सोसाइटी में मूव कर रही है या बाहर जा रही है सिर्फ उनको ही सीखना चाहिए? नहीं नहीं, सेल्फ डिफेंस हर लड़की को आना चाहिए, घर बैठे बैठी बाहर जाने वाली हर लड़की को। अच्छा, आपका नेक्स्ट फ्यूचर क्या प्लान है? फ्यूचर प्लान मेरा ये, मैंने लॉक करना आगे और इसको सोन कराटे को तो मैंने छोड़ना ही नहीं है ना। अच्छा, इनको नहीं छोड़ना। अच्छा, आपको अभी आप चूँकि ब्राउन बेल्ट होल्डर है, ब्लैक बेल्ट होल्डर आपने होना, उसमें कितना टाइम लगेगा? ये देखिए, जब वैसे तो ये 1 साल लग जाता है, काफ़ी देर, जब उस पर डिपेंड करता है आप मेहनत कितनी करते हो। अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ अचीव कर लिया, आपको प्रॉपर एक चीज़ पता है कि ब्लैक बेल्ट तक होने में क्या क्या आपको सब कुछ आगे कराटे के लिए सब कुछ आप कर सकते हो, कॉन्फिडेंस है, तो आप ब्लैक बेल्ट हो जाओगे। एक लड़की को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की? आजकल के जो हालात चल रहे हैं आप खुद भी देख सकती हैं, जो मोटरवे पे हादसा हुआ अभी लास्ट टाइम, उसमें एक लड़की ने अगर अपनी गाड़ी लॉक कर ली थी तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने अपने आप को डिफेंस कर लिया था, उसने अब गाड़ी लॉक कर ली, उसके बाद उन्होंने शीशे ब्रेक कर दिया उसके, और वो शीशे तोड़ने के बाद भी उसके साथ जो होना हुआ था हादसा वो तो हो गया, लेकिन अगर वही इसने कोई सेल्फ डिफेंस की टेक्निक की होती है तो वो अपना ईजिली सेल्फ डिफेंस कर सकती थी। और जो आप देख सकते हैं कि स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं, ऑफिस गोइंग गर्ल्स होती हैं, वो स्टॉप पर खड़ी होती हैं, तो लड़के कैसे टॉर्चर करके गुजरते हैं, हुटिंग करते हैं, तो अगर यही वो अपनी लड़की सेल्फ डिफेंस कर सकती है तो अपने आप को इजीली वो बाहर भी जा सकती है, अपने इस सोसाइटी में निकल सकती है। Yes.
पेरेंट्स को चाहिए कि वो छोटी एज से ही बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की और अपनी प्रोटेक्शन की ट्रेनिंग दें. उन्हें ये सिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी सोसाइटी आजकल सेफ नहीं है और हम सबको चाहिए कि अपनी प्रोटेक्शन करें बजाय इसके कि किसी को कॉल करें कि कोई आए और हमें प्रोटेक्ट करे. उससे पहले हमें एक्शन लेना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और हर एज की लड़कियों को चाहिए कि वो आएँ और सेल्फ डिफेंस सीखें बिकॉज इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. कभी रियल लाइफ में आपने ये टेक्निक्स यूज़ की हैं? रियल लाइफ कभी मौका आया? एक बार मौका मिला था. अच्छा, तो मौका मिला था मतलब वो चाह रही थी? मौका मिला था, बस मैंने कॉलर ही पकड़ा था तो उसी में काम हो गया था. मतलब इतना कॉन्फिडेंट आ चुका है कि एक कॉलर इतने कॉन्फिडेंस से मैंने पकड़ा कि वो लड़का कन्फ्यूज हो गया और सॉरी बोल के वो चला गया मुझे. कौन सी ऐसी चीज़ है निम्रा कि आपको लगता है कि वो चूँकि आपके साथ यहाँ पे बॉयज़ भी होते हैं तो आपको कौन सी एक चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही होती है कि नहीं आपने करना है, आपने सीखना है ये ट्रिक ये टेक्निक, तो कौन सी एक चीज़ है जो आपको लगती है कि ये तो होनी ही चाहिए हर लड़की में? सेल्फ डिफेंस टेक्निक, जैसे कि बाहर कोई जा रहे हैं आप अकेले जा रहे हैं कोई पकड़ ले आपको, किसी ज़्यादा ज़रूरत है लड़कियाँ आप गबालों से पकड़ लेती हैं उसकी टेक्निक, लोग गन लेके आ जाते हैं गन्स की टेक्निक, चाकू की टेक्निक, कोई ग्रिप कर ले उसकी टेक्निक, हर किस्म की टेक्निक होती है इसमें. कभी रियल लाइफ में ज़रूरत पड़ी आपको इसकी, इन ट्रिक्स की आपने यूज़ किए हों? बिल्कुल ज़रूरत पड़ी थी. मैं एक बार स्टॉप पर खड़ी थी घर जाने के लिए तो ऐसे दो लड़के आए थे, उन्होंने मुझे तंग किया था तो मेरे पास एक बैग था, मैंने बैग पकड़ के उसको मारा था और एक पंच किया तो देन वो चले गए थे.